मीनू एक गुस्सैल और नकचढ़ी चिड़िया थी। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर अपनी बहू निक्की तोती को हमेशा फटकार लगाया करती थी। अभी कुछ महीनों पहले ही निक्की तोती मीनू चिड़िया के घर बहू बनकर आई थी। निक्की अपनी तरफ से हर कोशिश करती थी जिससे वो अपने सास को खुश रख सके, लेकिन मीनू वो तो आसपास की चिड़ियों पर रौब दिखाने के लिए जानबूझकर अपनी बहू को डांटा करती थी। अरे वाह मीनू, तूने ऐसी कौन सी चाबी अपनी बहू में भरी है कि वो तेरे सामने हमेशा भीगी बिल्ली बन के रहती है। अरे भाई मेरा नाम मीनू है, मीनू निकिता जैसी। अगर 10-10 बहू अभी मेरे घर आ जाए ना तो उन्हें मैं अपने बाएं हाथ पे नचा सकती हूँ। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, लेकिन मेरी किस्मत तेरे जैसे कहाँ। मेरी बहू ना मुझे बहुत परेशान करती है, जब देखो तब घर के काम मेरे सर पर लाद देती है। काश मेरी जिंदगी भी तेरी तरह होती। Oh, no. अरे इसमें भी ना तेरी ही गलती है, जब बहू के घर में पहला कदम रखती है ना तभी उन पर लगाम लगा देना चाहिए, वरना आगे जाकर हमारे सर पर बैठ जाती है। तुम सब ना मेरे पास रोज एक घंटे ट्यूशन पढ़ने आया करो, मैं तुम सबको ट्रेंड कर दूंगी के अपने बहुओं को कैसे काबू में रखना है, समझी। इस तरह मीनू निक्की के सीधेपन का फायदा उठाकर आसपास की चिड़ियों से वाहवाही लूटा करती थी। फिर एक दिन, विमला अगले हफ्ते राखी का त्योहार है तो शॉपिंग करने चलेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी भी अपने ससुराल से आ गई है, चल आज ही चलते हैं। उसके बाद मीनू अपनी बेटी और बहू को लेकर शॉपिंग करने मॉल में पहुंच जाती है। मम्मी ये साड़ी ना बहुत अच्छी है, मैं तो यही खरीदूंगी। हाँ हाँ ले ले, मैं तो कहती हूँ ना ये सलवार सूट भी तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ इस तरह मीनू अपनी बेटी सोनी कबूतरी को तरह तरह के कपड़े खरीद कर देने लगती है। अरे मीनू तेरी बहू भी तो साथ में है, इसका भाई भी तो राखी बंधवाने आएगा, इसके लिए भी तो कोई साड़ी खरीद ले। अरे इसकी तो अभी अभी नई शादी हुई है, इसके पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, इसे नई साड़ी की क्या जरूरत है। और वैसे भी इसका भाई आ रहा है, कोई कलेक्टर नहीं। अरे लेकिन फिर भी, कांता तू ज्यादा चपट चपट ना कर, मैं जब से आई हूँ तुझे देख रही हूँ मेरी बहू की तरफदारी करती जा रही है, तुझे मेरे साथ शॉपिंग करनी है तो कर वरना भाग यहाँ से। उसके बाद वो औरत पूरी तरह से खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी बेटी के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर लेती है, लेकिन उसने बेचारी निक्की तोती के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदा। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और निकिता अपने भाई का इंतजार करने लगती है। निक्की थाली में राखी के साथ एक सोने का ब्रेसलेट भी रख देती है। ये देखकर दोनों माँ बेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखो ना मम्मी, भाभी ने थाली में कितना सुंदर सोने का ब्रेसलेट रखा है। हाँ ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है। बहू तूने राखी के साथ ये ब्रेसलेट रखा है, कहीं तू अपने भाई को ये सोने का ब्रेसलेट तो नहीं पहनाने वाली। जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है, राखी के साथ साथ मैं अपने भाई को ये ब्रेसलेट भी पहनाने वाली हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मेरे घर के पैसे तू अपने घर वालों को देगी, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, शादी के पहले जब मैं जॉब करती थी तभी मैंने पैसे बचाए थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा है। मम्मी मम्मी ये झूठ बोल रही है, जरूर उसने भाई के पैसे से ब्रेसलेट बनवाया है। इस घर में आए कुछ महीने हुए नहीं और ये अभी से आप लोगों का दिवाला निकालने पर तुली हुई है। तभी वहाँ निक्की का पति विजय कबूतर आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, आप लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देख देख अपने लाडली पत्नी को, सोने का ब्रेसलेट अपने भाई को देना चाहती है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका ना तो क्या पता ये आगे चलकर हमारा घर ही अपने मायके वालों के नाम लिखवा दे। अरे माँ अगर ये अपने भाई को सोने का ब्रेसलेट देना चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? आप ये कैसी बात कर रहे हो भाई, ये आपकी कमाई का ब्रेसलेट है, भला भाभी अपने भाई को कैसे दे सकती है। तुम लोगों से ये किसने कहा कि ये मेरी कमाई का है, ये ब्रेसलेट निक्की के पैसों का है,
अपनी कमाई को खर्च करने का निक्की को पूरा हक है। वाह बेटा वाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अपनी बीवी के लिए तू अपनी माँ और अपनी बहन से बहस कर रहा है। ना लायक, मैंने यही परवरिश दी है क्या तुझे? अरे माँ, आप भी ना एकदम बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने कह दिया ना, ये ब्रेसलेट निक्की ने अपने पैसों से खरीदा है, तो आप लोगों को क्या परेशानी है? नहीं, मैं इसके फर्नीचर भाई को ये सोने का ब्रेसलेट पहनने नहीं दूंगी। ला बहू, ये ब्रेसलेट मुझे दे दे। इसके बाद मीनू थाली में रखा ब्रेसलेट लेकर अपनी बेटी को दे देती है। जा बेटा, इसे अलमारी में रख दे। ठीक है मम्मी। इसके बाद दुखी होकर निक्की अपने कमरे में चली जाती है और जाकर रोने लगती है। सालों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने भाई को सोने का ब्रेसलेट दूं, लेकिन मेरी सास ने वो भी मुझसे छीन लिया। थोड़ी देर बाद निक्की का भाई उसके घर आता है। दोनों अपने अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं। तभी हरी तोता के एक इशारे पर कुछ लोग गिफ्ट अंदर रख कर चले जाते हैं। ये ढेर सारे तोहफे होते हैं। भैया, ये सब क्या है? ये तुम सबके लिए तोहफे हैं। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाया हूँ। माँ जी, ये बड़ा सा पैकेट आपके लिए, इसके अंदर ढेर सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए ये नेकलेस भी खरीद कर लाया हूँ। उस नेकलेस को देखकर मीनू हैरान हो जाती है। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे ये बेटा, ये नेकलेस तो बहुत कीमती लग रहा है, ये तुम मुझे देना चाहते हो? माँ जी, वो दरअसल मेरा व्यापार चल पड़ा है, भगवान की कृपा से मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। आज ही मैंने करोड़ों की डील साइन की है। अपने भाई की तरक्की जानकर निक्की तोती बहुत ही खुश होती है। उसके बाद हरी सबको बहुत सारे तोहफे देता है और शाम को सबसे विदा लेकर वापस चला जाता है। हरी के जाने के बाद दोनों माँ बेटी निक्की से आकर माफ़ी मांगने लगती हैं। हमें माफ़ कर दे बहू, हम तेरे और तेरे भाई के बारे में न जाने क्या क्या बोल गए, लेकिन आज हमें पता चला कि तेरा भाई तो बड़ा दिल वाला है। उसने मेरी और मेरी बेटी के लिए इतने सारे महंगे तोहफे लाए। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम और माँ आपके साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी निक्की को अपने गले लगा लेती हैं। दूसरी तरफ विजय कबूतर ये सब देखकर खुश हो रहा होता है।